और मैंने चक्का भी खोल दिया आपके सामने, ये देखो चक्का खोल के रखा है मैंने अभी, ये देखो गाइस। आप लोग उसको पूरी चेक कर लेनी ट्यूब को, ये ट्यूब चेक करने के बाद आप लोग उसको पानी ले आए। बैक माय यूट्यूब चैनल आई हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को साइकिल के अंदर कोई नवी चीज़ ऐड करने की दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले वीडियो देखो ये वाली। आई हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो समझ के तो देख गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आज मैं ट्यूब डालने वाला हूँ अपनी साइकिल को, आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ ये देखने कैसे चलता है ट्यूब। पहले आप देखो भाई, मैं नया ट्यूब लेके आया हूँ, डेढ़ ट्यूब है उसका, 150 रुपये का ये ट्यूब, ठीक है गाइस। आपको इसको चेक कर लेना है पहले, पंचर ना हो। देखो भाई, मैंने चेक कर लिया था पहले, इसको पूरा ऐसे करके चेक कर लेना है, ठीक है गाइस, ये पंचर ना हो उसको, ठीक है। और मैंने चक्का भी खोल दिया आपके सामने, ये देखो चक्का खोल के रखा है मैंने अभी, ये देखो गाइस। आप लोग उसको पूरी चेक कर लेनी ट्यूब को, ये ट्यूब चेक करने के बाद आप लोग उसको पानी के लिए ऐसे पाना, देख लो भाई, दिखाता हूँ। पहले आप लोग एक साइड का टायर खोल लेना है ऐसे, एक साइड का पूरा टायर खोल लेना है ये करके। उसके लिए आपको दो पेचकस की जरूरत पड़ेगी, दो पेचकस की, फिर ना आप साइकिल वाले के पास से जा सकते, खुद करवा सकते हैं। ये देखो भाई, इसको पूरा खोल लेना है टायर पूरा एंड बढ़िया तरीके से, ये देखो भाई। इसको खोलने के बाद आपको ट्यूब लेना है याला, पहले इसकी जो मैं हवा भरी थी मैंने वो निकाल दी पहले पूरी तरीके से, फिर ना इसके अंदर फिट नहीं आएगा ये। इसको पहले पहले पूरी हवा निकाल देता हूँ मैं, देखो गाइस पूरी हवा निकाल दी इसकी पहले मैंने, इसके बाद देखते हैं इसको पाएंगे अब। पूरी हवा निकाल देनी, 150 रुपये का ट्यूब आता भाई, बहुत बढ़िया ट्यूब है ये, एकदम मस्त क्लास ट्यूब है। इसी करके मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पहले टूबरी खोल लेनी इसकी, फिर ना ये पूरा फिट नहीं बैठे अंदर। इसके हम लोग टूबरी खोल लें पहले, ये देखो गाइस इसकी टुकड़ी खोलने के बाद इसको पा देना है, ये देखो गाइस पूरा पै गया है। तो इसको पूरा सेट करके ऊपर के बैठा देना है, देखो गाइस ऐसे करके इसको बैठा देना है ऊपर के पूरा, ये देखो फिर ये बैठ गया। अब इसको ऐसे करके, मेरा टायर तो भाई ढीला है ना, इस करके अपने आप हाथों से हो जाता है, फिर ना ये पेचकस की मदद से होना पड़ता है इसकी काम। आप लोग पेचकस की मदद से करना, क्योंकि आपके हाथ में लग सकती है, देखो भाई पूरा फिट बैठ गया ये। आपको 14-15 की चाबी लेनी है ऐसी करके, फिर आपको इस साइकिल में लगा देना है यू करके, ये देखो पूरा फिट हो गया। पहले साइकिल पूरी उल्टी कर लेना आप लोग, ये देखो, और इसको 14-15 की चाबी से कस देना है चाबी को, देखो गाइस जैसे मैं कस रहा हूँ वैसे कस देना है आपको 14-15 की चाबी से। और कंपनी का ट्यूब लेके आ करना भाई, क्योंकि बेकार ट्यूब तो आपको बेकार ही मिलेगा फिर, ये देखो। इसको पहले शायद मैंने उल्टा नट लगा दिया है, रुक जाओ एक मिनट खोलने दो, शायद मैंने उल्टा नट लगा दिया था, रुक जाओ एक मिनट। अब इसको दोबारा खोल के ऐसे सीधा करके लगाना पड़ता है, नट लगता नहीं है, रुक जाओ एक मिनट अभी रुक जाओ। ये देखो गाइस पहले इसको टाइट कर लेना हाथों से कर लेना, फिर चाबी से कर लेना थोड़ा बहुत। अब इसको चाबी की मदद से होगा ये टाइट। अब ये देखो यारा तो मेरा वो है ना पै गया, इसलिए ये तो हाथों से ही कर दूंगा मैं, एक मिनट रुक जाओ बस। ये देखो ऐसे टाइट कर लेना, ट्यूब डालना बहुत आसान है, ट्यूब तो बहुत डालना आसान होता है भाई आप लोगों को, तभी मैं वीडियो में बना के दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे डालता हूँ ट्यूब। और इस करके भाई अभी मैं मेरी साइकिल इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था यूट्यूब पर, क्योंकि भाई मेरी साइकिल का ट्यूब पंचर हो गया था, टायर ट्यूब से दोनों फट गए थे, ये देखो भाई पूरा पै गया है। अब इसको हवा डालने के, आपको पता ही हवा तो कैसे चलती है, इसको सीधी कर लेना। अब इतनी मेहनत से ये सब मैंने कर दिया, देख लो भाई ट्यूब डाल दिया नवा पूरा एकदम बढ़िया। अब मैं एकदम उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।